नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा माँ दशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज प्रोग्राम का जो विषय है वो है संतान से संबंधित। ये आजकल की समस्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है, जहाँ पर संतान जो है वो माता पिता को परिवारजन को पलटकर जवाब देने लगी है। इसकी कई सारी शिकायतें भी यहाँ पर हमारे पास भी देखने को मिलती है। काफ़ी सारे पेरेंट्स आते हैं जिनकी ये कंप्लेंट रहती है कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन सडन पता नहीं क्या हो गया, पलट कर जवाब देने लगा है, बहुत ज़्यादा अग्रेशन बढ़ता जा रहा है, कई बार गुस्से में चीज़ें भी तोड़ देते हैं। कि आखिर क्या है ऐसा कुंडली में जो बच्चे के अंदर इतना एग्रेशन आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, पलट पलट कर जवाब देती है, भूल जाते हैं कि अपने बड़ों से बात कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, कि कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो ऐसी दिक्कतें देते हैं। तो हमने सोचा कि ये कॉमन परेशानी आ रही है काफ़ी सारे पेरेंट्स को, तो इस पर भी प्रोग्राम बनाना चाहिए कि संतान पलट कर जवाब देने लग जाए। देखिए, कुंडली के अंदर हम बात करें तो सबसे पहली बात नेचर। यहाँ पर जो नेचर है वो यहाँ पर दर्शाता है कि बच्चा कैसा है, उसके सोचने का ढंग कैसा है, उसकी मस्तिष्क की बनावट कैसी है, क्यों वो पलटकर जवाब दे रहा है। अब इसके पीछे के कॉज को जानने की कोशिश, सबसे पहला व्यक्ति का स्वभाव, दूसरा आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है, तीसरा दशा खराब होना, चौथा कहीं वो जिद्दी तो नहीं है, क्योंकि गुस्से और जिद में फर्क होता है, दोनों में अंतर होता है। तो ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके लिए ग्रह रिस्पॉन्सिबल अलग अलग हो सकते हैं, दशा यहाँ पर अलग हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में कुंडली में कैसे पता लगाया जाए, तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल सारे पाप ग्रह ही होते हैं जो इस तरीके की हरकतें होती है। बच्चे के अंदर ना सुनने की आदत ही नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, बच्चे ने कोई डिमांड रखी, माता पिता ने मना कर दिया, बच्चे ने पलट कर जवाब देना शुरू कर दिया, अब ऐसी स्थिति में करें क्या। तो ऐसी सारी डिमांड्स क्या पूरी करनी चाहिए बच्चे की या नहीं करनी चाहिए, कि बच्चा उससे बिगड़ जाएगा, पलट के जवाब तो वैसे ही दे रहा है, यानी बिगड़ा हुआ रूप तो वैसे ही आपको दिख ही रहा है, तो वैसे में स्थिति में क्या करिएगा। तो इसका प्रॉब्लम छुपा हुआ है कुंडली के अंदर कि बच्चा इतना बिगड़ता क्यों जा रहा है। पहली बात, दशा सीधी सी बातें खराब है, अगर कोई भी चीज आपके जीवन में ऐसी हो रही है तो इसका मतलब सीधा सा है कि कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, दशा के रूप में ही सही, यानी प्रॉब्लम तो है ही। अब इस प्रॉब्लम की रूट तक जाने की जरूरत है कि उसको कैसे खत्म किया जाए जिससे प्रॉब्लम खत्म हो जाए। प्रॉब्लम को खत्म करने का तरीका जो है वो कहीं ना कहीं चार्ट्स के अंतर्गत है, यानी कभी भी नेचर में यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलेगा तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो करना है चंद्रमा को, दूसरा लग्न को, तीसरा वाणी वाले भाव को। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है दशा के साथ। तो जहां पर हम बुध भी लेंगे, बृहस्पति भी लेंगे, चंद्रमा भी लेंगे और ये भाव भी लेंगे, तो ये रूल आउट करेंगे कि क्यों यहाँ दिक्कत देखने को मिल रही है। अगर इन ग्रहों में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली बच्चे के स्वभाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, और बार बार बच्चा जो है वो आपको पलट कर जवाब देगा। सोशल मीडिया भी इसका कॉज है कि बच्चे का रुझान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ है, माता पिता मना कर रहे हैं और बच्चे यहाँ पर बिगड़ते जा रहे हैं। और ये भी एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राहु आएगा, क्योंकि राहु ही यहाँ पर सोशल मीडिया है जिसके वजह से दिक्कत, बच्चे बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं, माँ बाप कंट्रोल करने की कोशिश करते तो पलट के यहाँ पर सीधा जवाब आ जाता है, सीधा माता पिता के शब्दों द्वारा यहाँ पर इंसल्ट, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, अपनी मर्जी का कर रहे हैं। तो ये भी सबसे ज़्यादा तनाव पूर्वक स्थिति है माता पिता के लिए। कम उम्र में बच्चों का भटक जाना, 8th-9th क्लास में बच्चों के अफेयर्स सामने आना ड्यू टू सोशल मीडिया, ये भी एक कॉज है। और सीधा सा सीधा घर वालों के साथ में बगावत, एज कम, समझ की कमी, उसके अलावा सोशल मीडिया, ग्रहों की स्थिति, ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और ऐसी लगातार पेरेंट्स की शिकायतें हमारे कार्यालय पर आती रहती हैं, जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ परेशान देखने को मिलते हैं कि अभी इतनी उम्र ही नहीं है और अभी ऐसी हरकतें शुरू की, पलट पलट कर जवाब देना, घर के बड़ों के साथ में बदतमीजी करना, इसके पीछे वो बहुत ज़्यादा प्रयास करके थक गए लेकिन सुधार आ ही नहीं रहा है।
अब आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए भाई कैसे सुधार सकते हैं इसको, क्या तरीके हैं। तो सबसे पहला काम यही रहता है कि इन ग्रहों को चेक करो, इनकी स्थिति जैसे ही डिस्टर्ब दिखती है, दशा डिस्टर्ब दिखती है, उससे रिलेटेड उपाय शुरू करने होते हैं और धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाता है। कुछ तो यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल भी चाहिए पेरेंट्स के लिए, ताकि बच्चों को कंट्रोल कर सके पहली चीज़। उसके बाद ग्रह संबंधित यहाँ पर हम लगातार उपचार शुरू करते हैं, यानी उपायों को करते हैं, जिससे यहाँ पर काफ़ी हद तक मामला बैलेंस होके फिर वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। लेकिन जितने समय की अवधि की दशा है उतने समय तक तो यहाँ पर उपाय करना ही पड़ेगा, ताकि प्रॉब्लम को वहाँ तक बैलेंस किया जा सके, यानी कि संभाला जा सके। अब इसके लिए उपाय क्या रहते हैं? सबसे पहला कि कौन कौन से ग्रह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, उनसे संबंधित उपाय यहाँ पर आएंगे। अब कौन से ग्रह रिस्पॉन्सिबल है ये तो व्यक्ति दर व्यक्ति ही निर्धारित होता है, क्योंकि उसकी कुंडली पर निर्भर करता है कि उपाय यहाँ पर क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। कई स्थिति में व्यक्ति ने गलत रत्न धारण किया हुआ होता है, गलत रत्न को धारण करने से भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती है। भाई जब से ये रत्न धारण किया तब से इसका वाणी पर नियंत्रण ही नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति भी रहती है तो उस केस में रत्न को चेंज करवा के दूसरा रत्न सजेस्ट किया जाता है, जिससे प्रॉब्लम जो है ये ठीक हो जाए। इसके अलावा, जेमस्टोन्स के अलावा, एनर्जी लेवल को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम कुछ ऐसे मिरर्स का प्रयोग करते हैं जो यहाँ पर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ को बिल्टअप करने का काम करती है, आपके सराउंडिंग्स में पॉजिटिव एनर्जीज़ को बिल्टअप करने का काम करती है, जो प्रॉपर आता है ग्लासेस के थ्रू। उस ग्लासेस के यूज से यहाँ पर आपको काफी बेनिफिट मिलता है। अब आपके लिए सटीक उपाय क्या रहेगा? आपके भी घर में ऐसी समस्या चल रही है, आपके बच्चे भी कई बार आपको पलट के ऐसा जवाब दे देते हैं जो आपके लिए भी असहनीय है, आपके घर के बड़ों के लिए भी असहनीय है, और आप लगातार इस परेशानी को झेल रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि बच्चा ऐसा कर क्यों रहा है। तो आपको वेट नहीं करना चाहिए, हमसे हमारे कार्यालय पर आकर संपर्क करना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है, और निवारण आपको निश्चित रूप से मिलेगा इसका। अब बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। मेष राशि वालों से करते हैं शुरुआत। दिन काफी शुभ है मेष राशि वालों, मानसिक रूप से खुशी यहाँ पर काफी अनुभव करने वाले हैं, मित्रों के साथ में समय काफी अच्छा बीतने वाला है आपका। वृषभ राशि की करते हैं बात, दिन शुभ है, घर परिवार में सुख सुविधाओं में वृद्धि का दिन है, इच्छा वस्तु प्राप्त यहाँ पर आपको होने वाली है, शुभ कार्यों में रुचि ज्यादा बनने वाली है, प्रियजनों से मुलाकात काफी सुखद रहेगी। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों में दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करने में यहाँ तनाव हावी हो सकता है, आप यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अंदर की प्रतिभा जो है वो लोगों को नजर आए। कर्क राशि, दिन जो है वो सकारात्मक परिणाम देने वाला है लेकिन खर्चे यहाँ थोड़े से बढ़ने वाले हैं, आपके परिवारजन के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा, पड़ोसी के साथ में थोड़ी बहुत अनबन हो सकती है। सिंह राशि, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कड़ी मेहनत करते हुए नजर आएंगे, सफलता यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो काफी डिस्टर्ब चलते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति चल रही है वो लगभग ये बता रही है कि मार्च एंड तक यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहेगी, और प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर आपकी अच्छी रहने वाली है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और बाहर का खाना खाने से बचें। कन्या राशि, मिला जुला समय रहने वाला है, मन आपका काफ़ी प्रसन्न रहने वाला है, घर में जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आप, यूं कहें कि दिन ऑल ओवर काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। तुला राशि, दिन शुभ नहीं है, गुस्से पर काबू रखें, अन्यथा परिवारजन के साथ में आज विवाद हो सकता है, मित्रों की कड़वी बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़िएगा। वृश्चिक राशि, दिन सामान्य है, कार्य को लेकर यहाँ पर चिंतित नजर आएंगे, लाइफस्टाइल से रिलेटेड यहाँ पर आज काफी खर्चे आपको करने होंगे। धनु राशि, आज का दिन उत्तम बना हुआ है, कारोबार में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी, आपके काम में यहाँ पर काफी ग्रोथ, और आपको अनएक्सपेक्ट मान के चलिए, अनएक्सपेक्टली आपको यहाँ पर आज काफी बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्ट यहाँ पर आपके काफी काम आएंगे, मदद लगने वाली है। मकर राशि वालों की करते हैं बात, कानूनन मामले यहाँ पे काफी पेचीदा होने वाले हैं, सहजता और सरलता के साथ में आगे बढ़िए तो ही यहाँ पर आपकी जीत सुनिश्चित है, अन्यथा यहाँ पर आपके लिए काफी चुनौती भरा समय रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, कारोबार में यहाँ पे काफी मुनाफा देखने को मिलेगा,
जो व्यक्ति नौकरी पेशा है उनके लिए यहाँ पर दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके सहयोगी उनके लिए काफी मुसीबतें खड़ी करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। मीन राशि, आज का दिन सामान्य है, मेहनत करने का दिन ज्यादा रहेगा, खान पान पर थोड़ा विशेष ध्यान रखें, स्वास्थ्य हेतु दिन शुभ नहीं है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। देखते रहिए दशा, मां दशा। अब मैं चाहूंगी आपसे विदा। नमस्कार।